एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। स्पेशल डायरेक्टर मिस्टर धनंजय इज वेटिंग फॉर यू सर। सेंड हिम इन। एक्सक्यूज मी सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर, यू हैव टू हैंडल अ सीरियस इश्यू फ्रॉम योर स्टेट। कौन सा सीरियस इश्यू सर? किसी पर दाग लगाना है। किस पर सर? ऐसे वक्त पर जब हर स्टेट के नेता जनता के सवालों से भाग रहे हैं, घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, जनता का नेताओं पर से विश्वास उठ रहा है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के नेता और हमारे राज्य के प्रतिनिधि मिस्टर ईश्वर प्रसाद हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी बदौलत किसानों को प्राण धारा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए उन्होंने कई साल संघर्ष किया। मंत्री जी, पिछले 6 महीने में हमारे राज्य के 12 मंदिरों से पुरानी और बेशकीमती मूर्तियां चुराई गई हैं। क्या आपको इस बात की खबर है? सर, आप मंदिरों के कमेटी चीफ हैं, तो आप ही बताइए क्या आपको इस चोरी के बारे में कोई जानकारी है या नहीं? अरे ये क्या बोलेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कैसे नेता चुने हम लोगों ने? जनता के पैसों से पेट नहीं भरा तो भगवान के घर को लूट लिया। चोर कहीं के, छोड़ो मुझे। सही कहा, बिल्कुल सही। देखिए, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। इस देश में पलक झपकते कहीं भी जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। एक समस्या को सुलझाने जाइए तो 100 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इससे थक हार कर लोग मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खोलिए तो आंखों के सामने से मूर्ति गायब।
आज तक सरकार इन लोगों को नहीं पकड़ सकी और ऐसी सरकार के साथ काम करते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। I am ashamed of that। पहले चुराई गई मूर्तियों के बारे में बात कीजिए। आपकी इस बात का जवाब तो हमारे स्टेट के सीएम को देना चाहिए, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। कोई बात नहीं, इस बात के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। मैं 15 दिन की मोहलत देता हूं, और अगर सरकार ने उस वक्त तक भी मूर्ति चोरों को नहीं पकड़ा तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सर, क्या आप सचमुच सेंट्रल मिनिस्टर से इस्तीफा देंगे? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये देखिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर एक बात बताइए, आपकी ये लड़ाई मुख्यमंत्री से है या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? अच्छा, तो ये मतलब निकाला आपने। अब इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, सीधा राजनीति से संन्यास लूंगा। सर, क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों को राजनीति में लाना चाहते हैं? थैंक यू सिस्टर, यू रिमाइंडेड मी। मैं मानता हूं हर नए बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है, इसीलिए पिता की पोस्ट बेटे को, पति की पोस्ट पत्नी को देने का जो रिवाज चलता आ रहा है उस पर सबसे पहले लगाम मैं खुद लगाऊंगा। एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर मैंने राजनीति में कदम रखा, इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता को अपना राजनीतिक वारिस घोषित करता हूं, और वो इस वक्त यहीं आपके बीच है। अजय, 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 मंत्री जी बुला रहे हैं। अजय बहुत ही पढ़ा लिखा है और इसकी इमेज भी बिल्कुल साफ है। ये समाज सेवा की भावना से काम करना चाहता है, और खास बात यह है कि ये एक गरीब किसान का बेटा है। यही है मेरा राजनीतिक वारिस। अगर आप सब सहमत हैं तो मैं इसे ही विधानसभा भेजूंगा, और ये फैसला मैंने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नहीं लिया है। राजनीति में एक नई सोच हमारे लिए नया बदलाव लेकर आएगी। ईश्वर प्रसाद पर तुम्हें जो करना है वो करो, वो मेरी मुट्ठी में होना चाहिए बस। सर, इतने सालों से वो राजनीति में है, जहां दूसरे नेताओं ने जनता का पैसा लूटा है वहीं इन्होंने जनता की भलाई के काम किए हैं, लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। वो तो अच्छा आदमी है सर। अच्छा आदमी है, बस यही प्रॉब्लम है। अगर उसने राजनीति से संन्यास भी ले लिया तो लोग नई पार्टी बनाकर उसे सीएम की कुर्सी पर बिठा देंगे। हम एक और राज्य को किसी और की भेंट नहीं चढ़ा सकते। अरे मैं सीएम हूं, अगर ईश्वर प्रसाद बिना मुझसे पूछे किसी को भी अपना राजनीतिक वारिस बना देगा तो भला मैं अपने बेटे को राजनीति में कैसे लाऊंगा? आप लोग इतना क्यों सोच रहे सर? जिस केस को वो सबके सामने लाकर हीरो बनना चाहता है उसी केस में उसे अंदर करवा दीजिए, कुछ दिन उसे भी जेल की हवा खाने दीजिए सर। बहुत अच्छे सर, एक किसान का बेटा राजनीतिक वारिस क्या बन गया? आप लोगों को तकलीफ होने लगी? सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? तो उसे बुलाते हैं जो ये गलती कर सकता है। सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर वैष्णवी नटराजन को बुलाइए। वेलकम टू हैदराबाद मैम, तारुक है। रेस्ट ऑफ द टीम इज वेटिंग फॉर यू। जय हिंद मैम, एसीपी संपत रिपोर्टिंग। मैम, लोकल पुलिस से आपने एसीपी की मांग की थी ना, मूर्तियों की चोरी का केस यही हैंडल कर रहा है। शुरू करो। यस मैम। लेट्स कम टू द पॉइंट। पिछले 6 महीनों में स्टेट के 12 मंदिरों से प्राचीन और बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुई हैं। मुझे इसकी डिटेल्स दो। प्राइसलेस एंटिक्स है मैम, फॉरेन कंट्रीज में इसकी भारी डिमांड है, लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। सिंपल, इसमें एंटिक्स रॉबर्स का हाथ है। सिंपल, ये शेर या सांप की खाल नहीं है जिसे किसी भी बक्से में बंद करके देश के बाहर ले जाओ। ये बेशकीमती मूर्तियां हैं, इन सबको एक साथ देश के बाहर ले जाना आसान नहीं, ऊंची पहुंच चाहिए। नो, स्मगलर्स या एंटी कलेक्टर्स नहीं, कुछ नया सोचो जो सबसे अलग हो। अलग तो सिर्फ आप ही सोच सकती है। नाउ यू आर ऑन पॉइंट। विजयवाड़ा का दुर्गा मंदिर, उंडावली पहाड़ों के बुद्धा की मूर्ति, कोडुमुरु के पास बद्री कोना और वीरभद्रा स्वामी की मूर्तियां, कोटप्पा कोंडा के पास सिद्धा चामुंडी मूर्ति। जब भी इन मंदिरों से मूर्तियों की चोरी हुई है आसपास मंत्री ईश्वर प्रसाद की मीटिंग्स या फिर पॉलिटिकल रैलीज चल रही थी। उन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है, वो मंदिर से मूर्ति नहीं चुराते।
मैम, जहाँ मिनिस्टर होते हैं वहीं पुलिस का ध्यान होता है। हो सकता है चोरों ने ईश्वर प्रसाद का प्रोग्राम फॉलो किया। करेक्ट, चोरों ने ईश्वर प्रसाद का प्रोग्राम फॉलो किया है या फिर ईश्वर प्रसाद ने चोरों का प्रोग्राम फॉलो किया है, इसका पता लगाना है। आप ईश्वर प्रसाद के बारे में गलत सोच रही हैं मैडम। हे, खड़े हो, बाहर निकलो, निकलो। मुझे उसकी साइड लेने वाले पसंद नहीं। इस ऑपरेशन के दौरान मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं चाहिए। ईश्वर प्रसाद के बारे में जो भी पॉजिटिव बोलना चाहता है वो जा सकता है। सॉरी मैडम, मैं बस डिस्कस कर रहा था। ईश्वर प्रसाद के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैडम, वी कैन गेट हिम, नॉट अ प्रॉब्लम। मगर ईश्वर प्रसाद एक पब्लिक फिगर है, समाज में उसका नाम है, उसके फॉलोअर्स हैं, और अगर हम उस पर एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है लोग भड़क जाएंगे। बस इसलिए मैंने उस पर हाथ नहीं डाला। फिर चंचला। Who is चंचला? Year 2003, AP सिविल सर्विस टॉपर, चंचला IAS। ईश्वर प्रसाद को सरकार की ओर से दो बार अपॉइंट की गई पर्सनल सेक्रेटरी। इन 10 सालों में ईश्वर प्रसाद क्या काम करता था, कहां जाता था, किन लोगों से मिलता था, सिर्फ एक को पता है, चंचला। ऑफिसर्स, आई वॉन्ट हर। नॉट पॉसिबल मैम, शी इज इन रिमांड नाउ। जानती हूँ, चंचला तुम्हारे भाई के खून के इल्जाम में 3 महीनों से जेल में है, इसीलिए उसे सिलेक्ट किया है। अगर उसे इंटरोगेट किया तो किसी को कोई शक नहीं होगा। मैम, मान लीजिए अगर हम चंचला को जेल में इंटरोगेट करेंगे तो ईश्वर प्रसाद को इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। इसीलिए इंटरोगेशन कहाँ होना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे, होटल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स जैसे पब्लिक प्लेसेस में नहीं, और ना ही कोई प्राइवेट जगह। जहाँ कोई आता जाता ना हो ऐसी जगह ढूंढो। अपना नाम क्या बताओगे? चंचला सर। गुड, सेल नंबर 14 और तुम्हारा नंबर 68। अब चलो। चंचला, चंचला, चलो। कहाँ चलना है? दूसरी सेल में। मैंने कहा था ना इस सेल की मरम्मत करनी है। मूव। What's happening, officer? चलो पता चल जाएगा। हम उसे कौन सी जगह पे शिफ्ट करने वाले हैं सर? भागमती बंगलो। हे, क्या देख रहे हो? चलो जाओ। कुछ नहीं सर। जाओ, बोला ना मैंने। सर, वो जंगल वाली खंडहर हवेली। हवेली नहीं है, पुलिस गेस्ट हाउस प्लस कैंप ऑफिस है। पुलिस ड्रिल के बहाने हम अपना काम करेंगे और चुपचाप वहां से वापस आ जाएंगे। सर लेकिन वो जाओ, जाकर रूट मैप तैयार करो जल्दी। ओके सर। ललित मेरे लल्ला, भागमती बंगले का नाम सुनते ही हाथ से बैग क्यों गिर गया? वो नाम सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। हाँ। वहाँ जाने से हर किसी को मना किया जाता है, जो जाता है वापस नहीं आता। ये क्या बोल रहे हो? भागमती बंगलो नहीं है मैडम, भूत बंगलो है। वो बंगलो मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर है। उस बंगलो का नाम सुनते ही बच्चे तो क्या, बड़े बूढ़े भी अपनी पैंट गिली कर देते हैं। भागमती, ये है कौन? भागमती उस इलाके की रानी थी। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे वो अपने बंगलों में कैद कर लेती और फिर अमावस की रात को देवी के सामने उसकी बलि चढ़ा देती। भागमती के दुश्मनों ने उसे बेरहमी से मार दिया। कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा भूत बनकर उस हवेली में भटकती है। तुम जंगल तक मेरे साथ चलो, आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगा। कम
आपने जो कहा था वो सारी व्यवस्था मैंने कर ली है। गुड डे मैडम। जय हिंद। मैडम नमस्ते। अरे ललित, जॉइन कर लिया तुमने? जी मैडम, सब आपकी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे पिता की जॉब थी, अब तुम्हारी है, दिल लगाकर काम करना। मुंह तो मीठा कीजिए मैडम। अंदर बांट दो। जी ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा। ए स्टूपिड, वहां क्या कर रहे हो? बैठो गाड़ी में। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हम कहाँ जा रहे हैं ये जाने का पूरा हक है मुझे। भैया मुझे शक है कि चंचला मुझे धोखा दे रही है। बताओ क्यों मारा तुमने शक्ति को? मौसम की जानकारी। अगले 48 घंटों में दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने मछुआरों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। अभी के लिए बस इतना ही। क्या कर रहा है तू? सर, एंट्री करते वक्त ये छींक दिया, थोड़ी देर रुक के चले। जरा जाकर देखो वहां। कोई है यहाँ? सुनो, फाटक को खोलो जरा। सर, अबे तू वॉचमैन हूं। तो मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहोगे, कैदी बनकर नहीं, हाउस अरेस्ट के तौर पर। तुमसे सवाल पूछने के लिए कुछ ऑफिसर्स आएंगे, जितना कोऑपरेट करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब तक घर के अंदर हो, आजाद हो और महफूज भी। अगर भागने की कोशिश भी की तो इधर आओ। कल रात को कहां चले गए थे तुम? साहब, पूरे दिन यहां काम करता हूं, मगर रात को यहां रहने पर हमरी क्या नहीं डर लगता है? हमार दुइठो लड़का है, रात में यहां रुकने के लिए मत कहिए। ठीक है, छोड़ो ये सब यहीं रहेंगे। ठीक बा। और वो भी यहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। अपनी पत्नी से बोलकर जरूरत की चीजें मंगवा लो। मंगवा देते हैं। जी सर। मैडम, मैडम आप अंदर मत जाइए, लोग कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा वैसा है। यस मैडम, गांव वालों का कहना है कि यहाँ भूत है। कैसा भूत? भूत नहीं होते, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मैडम प्लीज। मैडम मैडम, ए क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं सर, अंदर जाओ।
कंचना, वॉचमैन की घरवाली। आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ और जरूरी सामान भी। नहाकर तैयार हो जाइए, साहब लोग मिलने आने वाले हैं। ऐसा क्या झांक कर देख रही थी? हे देवा, आप हो क्या? बाथरूम? उस कमरे में है। तुम डर गई थी क्या? हाँ, मैं और डरूंगी? नहीं 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 तो। हाँ, देवा। ये क्या लगा रखा है? हक के घर की मांग है ये। ओह, तो तुम हो जो इन लोगों को भड़का कर यहाँ लाए हो? भड़का कर नहीं मैडम, सच बोलकर। 135 गांव के लोगों ने घर जमीन खेती सब कुर्बान कर दी। उसका सही दाम उन्हें क्यों नहीं मिला, यही पूछने आए हैं। जब देश में विकास होता है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है। क्या उसके लिए अपना प्रोजेक्ट रोक दें जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा? कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। यहाँ बात खोने की नहीं, हमारे रास्ते पर आने की है मैडम। इन लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर हो गई है। मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आपने यहाँ जो भी कहा वो गरीबों के लिए था या उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिसके आदमियों ने पत्थर मारा? असिस्टेंट कमिश्नर भैया। वाह, आज तो खाने पर। हेलो। हाय। आने से पहले फोन कर लिया होता। अंदर आ जाइए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे शक्ति, अगर तुम मेरा नाम ले लेते तो पुलिस तुम्हें छोड़ देती ना। आपका नाम, आपका नाम बताता तो पुलिस सिर्फ मुझे छोड़ दी, गांव वालों को नहीं। अरे
ऑस्ट्रेलिया में MBA करके लाखों की नौकरी छोड़कर अपने देश अपने लोगों के बीच लौट आया है। पहले तो मुझे लगा जैसे इसने अपने पूरे करियर को बर्बाद कर दिया, मगर जब 2 साल के अंदर इसने उस गांव को बदल दिया तो मुझे अपने भाई पर वाकई बहुत गर्व हुआ। सच है मैडम, अगर आपको ये प्रोजेक्ट इस गांव में शुरू करना है तो मेरे ख्याल से इस गांव को खाली करवाने के लिए शक्ति से बेहतर इंसान कोई नहीं होगा। गांव वाले उस पर विश्वास करते हैं और उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। शक्ति बहुत गुस्से वाला है मैडम, जरा सोच समझ के। अगर आप हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएंगे और अगर ये प्रोजेक्ट लाखों का भला करेगा, then I'll be there with you. मन मेरे क्या है इरादे रे, किरणों सा चमके जो तू रे। मन मेरे करता क्या बातें रे, यारी में खुल के आज रे। खोया तू ऐसे कैसे, उलझे सवालों जैसे, मिल न जवाबों का लगता पहाड़ों सा। क्या ये कहानी तेरी होने लगी है मेरी, हाथ है थामा खुशी ने इरादों का। हो आगे चले वो ऐसे, पीछे तो साए जैसे। हाँ बातें ये तेरी तुझी को समझे, मुझे समझे ना रे। मन मेरे क्या है इरादे रे, किरणों सा चमके जो तू रे। मन मेरे करता क्या बातें रे, यारी में खुल के आज रे। क्या हुआ,
Feeling nervous? Relax. Namaste. What a surprise, sir. तुम मेरे परिवार के जैसी हो. Congrats. Thank you. जंगल के बीचों बीच ये हवेली निजाम की सेनाओं के मुखियाओं के ठहरने के लिए बनाई गई थी. बाद में इसे ब्रिटिश अफसरों का गेस्ट हाउस बना दिया गया. देश की आजादी के बाद ये कई सालों तक बंद रही. यहाँ कोई नहीं रहता था. फिर सरकार ने इसे पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया. सिक्योरिटी वाइज इस जगह के बारे में हमारे डिपार्टमेंट में किसी को कुछ नहीं पता. उनकी नजर में यह सिर्फ पुलिस ट्रेनिंग कैंप है. अगर चंचला को इस तरह इंटरोगेट करना है कि किसी को इसकी भनक ना लगे तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं. यहाँ से हम उसके बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर लिविंग रूम, इंटरोगेशन रूम, हवेली के हर कोने पर नजर रख सकते हैं. हमारी मर्जी के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती. दरुक, मैम, गो एंड गेट हर. मिस्टर संपत, थैंक्स फॉर एवरीथिंग. माय प्लेजर मैम. अगर तुम साथ रहोगे तो चंचला बात नहीं करेगी. तो तुम्हारी ड्यूटी यही खत्म. मिस्टर जोस, क्लोज द गेट प्लीज. हेलो, वैष्णवी नटराजन, सीबीआई. प्लीज. यहां बैठिए. अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो हम यहां से जल्दी जा सकते हैं. सो प्लीज. मैं शादारो. वॉइस क्लियर एंड रिकॉर्डिंग, प्रोसीड. मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कोई खास वजह है? तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जो इस बात को समझ ना पाओ. चंचला आईएएस, मैं बातों को समझने की हालत में नहीं हूँ. ओके, भ्रष्टाचार के आरोप में जिसे जेल में होना चाहिए था, उस ईश्वर प्रसाद के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए. मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद? यस. अच्छे काम के नाम पर जनता को धोखा देना, इलीगल धंधे, उसकी अवैध राजनीति, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, तुम सब राज खोलोगी. सॉरी, यू बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री. मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है और तुम्हें ये जवाब कहीं नहीं मिलेंगे. वैसे तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है. अगर ये हक मुझे कोर्ट दे तो सेक्रेटरी ऑफ ईश्वर प्रसाद. सिर्फ आरोप ही नहीं, हम लोगों के पास ईश्वर प्रसाद के खिलाफ सबूत है. ईश्वर प्रसाद के खिलाफ सबूत? Come on, it's fake order, man. चंचला तभी सच बोलेगी जब उसे विश्वास होगा कि ईश्वर प्रसाद मुसीबत में. हमें यकीन है उसके सारे सीक्रेट्स सिर्फ एक इंसान जानती है और वो तुम हो. सो यू हैव टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस. पूछो क्या पूछना है.
ये समस्या मैं सीएम तक जरूर पहुंचाऊंगा। बात करने के क्या कहा? एक मिनट सर, मुझे डाउट है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश? जब से आपने मुझे अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया है तब से लोग आपको झूठे केस में फंसा रहे हैं। मैं सिर्फ जनता के लिए काम करता हूँ और उनका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर भगवान भी हमारा साथ छोड़कर हमें अनाथ कर दे फिर भी ये जनता हमें जरूर बचाएगी। डरो मत। बात वो नहीं है सर। पता नहीं तुम्हें ईश्वर प्रसाद के खिलाफ किस तरह के सबूत मिले हैं पर वो सबूत झूठे हैं। क्या सच है क्या झूठ है इसका फैसला हम करेंगे। गॉट इट? तुमने दूसरी बार भी ईश्वर प्रसाद की पर्सनल सेक्रेटरी बनने का फैसला क्यों किया चंचला? क्या रिश्ता था तुम्हारा? पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में नहीं थी बल्कि मुझे ईश्वर प्रसाद की पर्सनल सेक्रेटरी बनने की ड्यूटी मिली जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके साथ काम करके मुझे पता चला कि वो कितने महान इंसान हैं। ईश्वर प्रसाद ने अपना राजनीतिक सफर एक स्टूडेंट लीडर के रूप में शुरू किया। जब लोगों ने उनकी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा देखी तो उन्हें पार्टी में बड़े बड़े पद सौंपे गए। उन्होंने अपने भाई तक को घर से बेदखल कर दिया जब उसने अपना काम निकालने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया। उनकी इसी कैरेक्टर की वजह से मैं दूसरी बार उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए इंस्पायर हुई। इन 10 सालों की सर्विस में क्या तुमने ईश्वर प्रसाद का कोई भी नेगेटिव साइड नहीं देखा? हाँ देखा ना। लोगों की सेवा में अपने पत्नी और बच्चों का त्याग देना, गलत धंधे करके पैसे ना कमाना, अमेरिका में पढ़ रहे अपने बेटे का आज तक बैंक लोन चुकाना, गरीब जनता को अपने परिवार का हिस्सा मानना, अपनी बेटी को लास्ट इलेक्शन में पार्टी फंड से 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए गए थे। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है मेरे पास। इट्स ऑल फॉल्स। दोबारा अच्छे से चेक कर लो। और फ्रेंड्स? हाँ थे ना उनके फ्रेंड्स, उनके साथ ट्रैवल करने वाला पीए चारी अजय और उनके 5 फॉलोअर्स, वही उनकी ताकत दौलत और दुनिया है। अपने फ्री टाइम में कहाँ जाता है? स्विस, फ्रांस, इटली। उन्हें देश के प्राचीन मंदिरों में जाने का बहुत शौक है और अगर उनके पास वक्त कम हो तो वो अपने पसंदीदा फार्म हाउस जाते हैं। तो बताओ भगवान उसके लिए भक्ति है या फिर कारोबार? I mean, वो मंदिर प्रभु की भक्ति करने जाता है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? प्रभु को पाने के लिए जाते हैं। डन फॉर द डे चंचला, आराम कर लो, कल बात करेंगे। मिस्टर जोस। मैडम। जाने अनजाने में उसके मुंह से निकल गया कि वो मंदिरों में जाता जी। है। पिछले 1 साल में ईश्वर प्रसाद जिन मंदिरों में गया है उसकी डिटेल्स चाहिए। ओके मैडम। ओके ओके। हे माय, हमारी रक्षा करना। हे, ये क्या कर रहे हो? आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। ऐसा करने से भटकती प्रेत आत्माओं को शांति मिलती है और वो बदला नहीं लेते। क्या ऐसा करने से आत्माएं शांत हो जाती हैं? ये हमारे गांव का परंपरा है। आज बुधवार है और अमावस्या भी। ओ राक्षसी। ए, आ गया से। साहब। सुनो। सर। रात को चंचला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम पर है और सुभाष तुम दोनों। नॉनसेंस। मेरी जानकारी के बिना ना कोई अंदर आएगा ना ही कोई बाहर जाएगा। क्लियर? मेन डोर लॉक कर दो और इसे जीप में बिठाओ। जी सर। अरे जिस घर में भूतों का भी पसीना छूट जाता है उस घर में एक अकेली औरत को रखा है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। सुभाष एक बात बता है? क्या सच में भूत होते हैं? हाँ होते हैं ना है? उनमें से एक से तो मैंने शादी की है और दूसरा जो है वो मेरा ससुर है। ले गटक ले। भूत नहीं है मैडम। मैडम बिजली नहीं है क्या? खतरनाक तूफान की वजह से बिजली के सारे तार कट गए हैं। बिजली ऑफिस वालों ने कहा कि कल तक बिजली आ जाएगी। और जनरेटर? उसका डीजल खत्म हो गया है, सारे कैमरे भी बंद पड़े हैं। मैडम वॉचमैन की पत्नी ने खाना टेबल पर रख दिया है, याद से खा लीजिएगा।
कहा कु बे भूत होगा शपिश। आधी रात को अकेला जा रहा था तब मुझे एक आवाज सुनाई दी। सुनो।
जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक शैतान की लाल आंखें बिखरे बाल हाथों में आग लिए खड़ा था। आग? कैसे? कैसे? कब? कहां? कैसे? मेरा सीनियर होकर कहानी मुझसे सुनेगा। उठा। अरे उठा यार। सर सर मैं ललित बोल रहा हूँ भागमती बंगलो से। बंगलो के अंदर कुछ है सर। बेवकूफ कहीं के मर्डर करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई मुजरिम है वो। ये जरूर कोई ना कोई उसकी चाल हो सकती है वहाँ से भागने के लिए। अंदर भूत है सर। अंदर कोई भूत भूत नहीं है। चुपचाप मुंह बंद करके सोने को कहो। अरे ललित ताला खोल ना यार। ताला खोलेंगे तो साहब हम दोनों को मार देंगे। मेम साहब आप यहाँ क्यों सो रही है? मेम साहब, मेम साहब, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? चलिए उठिए। अरे बाप रे, माथे पर भी चोट लगी है। ये क्या है? कैसे इंसान हो तुम लोग? हाँ, दिखाई नहीं दिया। आइए मैं दवा लगा दूँ। इस घर में जरूर कुछ है, इसीलिए हम लोग शाम होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। पता है इस भूत वाले घर में सिर्फ पागल लोग ही रह सकते हैं, फिर भी वो लोग आपको इस घर में लेकर आए। अच्छा छोड़िए, ये कॉफी पीजिए। लीजिए। यकीन नहीं होता, जो लड़की धुआं देखकर ही डर गई, वो लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है भला? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सुना उसने सेल्फ डिफेंस में शूट किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलदस्ते पर मिले शक्ति के फिंगरप्रिंट्स अटैकिंग पोजीशन के हैं। ये केस जितना मुश्किल है। ये क्या कह रहे हैं सर? सर इसमें जरूर उसका कोई प्लान होगा। बड़ी चालू। सर मरने से पहले मेरे भाई ने खुद मुझे फोन करके वहां बुलाया था, मगर मेरे पहुंचने से पहले। कानून के हाथ से अभी वो बची हुई है। कानून के हाथों से वो बच सकती है मगर मेरे हाथों से नहीं। मौका मिलते ही खत्म कर दूंगा उसे। मेरी मानो तो ऐसा कुछ मत करना। What happened? वो मैं अंधेरे में गिर गई थी। चोट से सिंपैथी पाना चाहती हो? मिस्टर जोस, ओके, तुम्हारे बॉस मिनिस्टर। एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस गवर्नर है। ओके, तुम्हारा कहना है मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद कभी कोई गलत काम नहीं करता,
मगर मुझे लगता है वो लोगों से छुपकर गलत काम करता है। नानी जो कहा वो सच है। मुझे नहीं लगता मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद एक चोर है। तुम्हारे कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। कल तुमने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, आज उन्हें चोर कह रही हो। केस में क्लैरिटी नहीं है या तुम ही क्लियर नहीं हो? ए, जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। पिछले 6 महीनों में बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुई हैं, वो भी उन्हीं प्राचीन मंदिरों से जहां ईश्वर प्रसाद अक्सर जाता था। जिसे तुम भगवान मानती हो वो मूर्तियां चुराकर उसे बेचकर पैसा कमाता है, ये मेरा कहना है। जिस इंसान को 29 सालों में पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, उसे अचानक 6 महीनों में पैसों की इतनी जरूरत पड़ गई, और अगर पड़ी भी होती तो वो तो एक साइन से करोड़ों कमा सकते हैं। मूर्ति चुराने की क्या जरूरत? उन्हें तो पोस्ट का भी लालच नहीं है, वरना सरकार कब की गिर गई होती। थिंक बिग। मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी। आई हैव ऑल द प्रूफ्स। ही शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। देन गो अरेस्ट हिम। सर ये मेरा दूसरा दिन है और मैं एक आईएएस ऑफिसर के साथ डील कर रही हूँ। मारपीट नहीं कर सकते। क्या वो सवालों के जवाब दे रही है? यस सर, हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो उसका जवाब दे रही है। मगर अभी तक मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद के बारे में हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उसे कोई ऑफर देकर देखो। ओके सर, आई विल ट्राई दैट वे ऑल्सो। थैंक यू। चलो मान लेते हैं ईश्वर प्रसाद एक अच्छा आदमी है। तो इतने वक्त से तुम जेल में हो, उसने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? और तुम हो कि फिर भी उसे बचाना चाहती हो? इस केस से बाहर निकलने में मैं हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हारी लाइफ, जॉब, सब कुछ फिर से मिल जाएगा। उसे अंदर करने के लिए हमारा साथ दो। तुम्हारा साथ दूं? सॉरी, झूठ बोलकर बाहर जाने से अच्छा है सच बोलकर जिंदगी भर जेल में रहूं। मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस पसंद नहीं। जब तक सच का पता नहीं चल जाता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो झूठ बोल रही है, कोई तो प्रूफ करो। मैडम, जब भी कोई नॉर्मल इंसान झूठ बोलता है तो वो अपना हाथ और पैर फ्रीली नहीं हिला पाता। उसका पूरा ध्यान उसकी बातों पर होता है। मगर चंचला के साथ ऐसा नहीं है, वो एकदम फ्री है। उसने चीटिंग नहीं की, हर सवाल का सीधा जवाब दिया और बेवजह गुस्सा नहीं हुई। और मैडम, झूठ बोलने वाले कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। मगर ये कॉन्फिडेंस के साथ मेरी आंखों में देखकर बात कर रही थी। अपना वर्बल स्टेटमेंट देने के बाद भी उसका एक्सप्रेशन जेस्चर बदला नहीं, चेहरे पर पसीना नहीं, बेवजह कान और गर्दन खरोंचा नहीं। पूछे गए सवालों का सीधा जवाब देना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सबको एनालाइज करने के बाद। कम टू द पॉइंट ऑफिसर। सच मैडम, अगर चंचला झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं है तो उसने जो भी कहा वो सच है। हे भगवान, मन को शांति और तन को शक्ति देना और अपनी कृपा बनाए। अरे मंत्री जी, परेशान मत करो, चलो जाओ। देखो, जिसने मुझे मिनिस्टर बनाया वो अंदर बैठा है। अगर वो नाराज हो गए तो काम बंद हो जाएगा और घर बैठूंगा। और एक न एक दिन तो हम सबको उन्हीं के पास जाना है। तुम जाओ यहाँ से। सर बात ये है, हमने कह दिया ना जाओ। जाइए, धन्यवाद। क्या हुआ? नहीं नहीं, आप पहले पूजा कर लीजिए। आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ मैं। सर, इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे? वो सर एक दोस्त का फोन था तो बस मैं उसी से। इतनी तामझाम की क्या जरूरत है? तुम जानते हो मुझे ये सब पसंद नहीं है।
फिर से क्यों चिल्ला रही है? जाकर देखते हैं। मैडम 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 क्या हुआ? मैडम 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 कहाँ है वो? मैडम कुछ तो बताइए क्या हुआ? एसीपी सर को फोन लगा जल्दी। हाँ ललित बोलो क्या बात है? सर आज फिर से मैडम चिल्ला रही है। अरे तुम उस पर ध्यान मत दो। सर आज तो डरने की कोई वजह भी नहीं है, बिजली भी है, फिर भी पता नहीं क्यों मैडम अंदर से चिल्ला रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। सुनो तुम हब में जाओ क्विक। सुभाष तू यही नजर रखना, मैं हब में जाता हूँ। हब में आ गए? मैं आ गया हूँ सर। बंगलो में लाइट्स है ना, मतलब तुम सारे कमरे देख सकते हो ना? हाँ देख पा रहा हूँ। अगर वो रूम में है तो यस, नहीं तो नो में जवाब देना। इंटरोगेशन रूम नहीं है सर। हॉल नहीं है। ऊपर वाला हॉल नहीं है सर। किचन कहीं भी नहीं है, किसी कमरे में नहीं है। अब मैं क्या करूँ? एक मिनट रुको रुको, जरा सोचने दो मुझे। तुम्हारे पास गन है ना? हाँ गन है सर। मेरी बात करो, बंगलो के अंदर उसके बेडरूम में कैमरा नहीं है, तुम अंदर जाओ। लेकिन सर मुझे पहले से ही डाउट था कि इस केस में और भी लोग इन्वॉल्व हैं। अगर तुम्हें ऐसा कोई दिखे तो उसे शूट कर देना। अगर वो बचकर भागने की कोशिश करे देन शूट हर। सर शूट हर, मार देना उसे। ठीक है सर। मैडम 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 मैडम, उनकी आवाज अचानक बंद क्यों हो गई? आवाज बंद हो गई, चल चलते हैं। चल मैडम मैडम आप कहाँ हैं? बिजली गई, भागो 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 भागो। मैडम को ढूंढते हैं, ये मैडम को ढूंढते हैं, चलना। Can we have our picture with Bhaagamathie Devi? Yeah. Bhaagamathie Devi, प्रजा आपका इंतजार कर रही है। मैडम 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 कोई मुझे मार रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैडम उसका नाम बताइए। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। ललित चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैडम चलिए चलते यहाँ से, आइए जल्दी जल्दी आइए आइए मैडम आइए। मैडम मैडम क्या हुआ? मैडम 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 ये क्या हो रहा है? चलना। कहाँ चलो? अंदर गए तो मारे जाएंगे। अगर नहीं गए तो साहब हमें मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। रुक ना। चलना। मैडम मैडम
देख कुर्सी हिल रही है, मतलब यहाँ यहाँ भूत है। मैडम जहाँ भी है आ जाइए, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से भागना होगा। मैडम कहाँ जाओगे तुम लोग? कहाँ जाओगे तुम और कहाँ ले जाओगे उसको? जब चाहे आते हो, जब चाहे चले जाते हो, क्या ये कोई धर्मशाला है? ये भागमती का अड्डा है। मुझे जाने दो मैडम, मैं चला जाऊंगा। आखिर आप है कौन? कौन हूँ मैं? भाग 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 भागमती हूँ मैं, आग का दहकता हुआ शोला हूं मैं। बदला लेने आई हूं, किसी को जाने नहीं दूंगी। एक औरत के साथ लेडी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मैम लेट मी रिमाइंड यू, हमने उसे यहां कैद में किसी रूल्स के मुताबिक नहीं रखा, और वैसे भी आज रात भामिनी उसके साथ है। जाओ ललित को बुलाओ। उसे बहुत चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। सुभाष भी डर के भाग गया मैडम, वो जाने की बात कर रहा था। कॉल हिम। कौन है ये भागमती? इस हवेली की ओनर थी मैडम, ये जरूर चंचला का कोई नया ड्रामा है यहाँ से बचकर भाग निकलने का, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ऐसा था तो वो रात को क्यों नहीं भागी जब उसके पास मौका था? क्योंकि वो पता लगाओ कौन है ये भागमती और उसका चंचला के साथ क्या रिश्ता है। इसे जगाऊं क्या? कम। नमस्ते मैडम। तुम अंदर क्यों गए थे? सर ने कहा था हमें अंदर जाने के लिए। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है मैडम। मैडम आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज। इस केस में नए लोगों को नहीं ले सकते, भामनी तुम्हारे साथ रहेगी, और अगर ये नौकरी चाहिए तो यही रहना होगा। Got it? मैडम ओके, आई लाइक योर प्रपोजल, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट लेटर। थैंक यू, nice meeting you. स्वामी। सर ऐसा लगता है अजय मुझसे छुपकर कुछ कर रहा है। मैं पता करूं? जाने दो। सर नमस्ते। आइए सर। नो, जिन्हें मैंने गलत कामों के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया उनके साथ रिश्ता रखना तुम्हारे पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं तो सिर्फ उसे पेट्रोल पंप का रास्ता बता रहा था। बात क्या है, उसकी सिफारिश करनी है? नहीं सर। सर थोड़ी कमजोरी है। ओहो। शी इज अ मर्डरर और इसके लिए दया आ रही है। ये नौकरी कैसे मिली तुम्हें? 5 लाख देकर मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? चंचला। उन्होंने तो भागमती बताया था। कल रात तुम जोर जोर से चीख कर सबको मार रही थी। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ओके, अच्छा
ये बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कोई मार रहा था। कौन? पुलिस वाले? पता नहीं, दिख नहीं रहा था, बस मार रहा था। यहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल, प्लीज। तुम भूत पर विश्वास करती हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारी भागमती नाम की कोई रिश्तेदार है? आई मीन दादी, नानी, चाची, मामी, कोई पड़ोसन, फ्रेंड्स, कोई भी? और यहाँ पर नहीं पता। भागमती के बारे में मैं बताऊं? भागमती एक कॉलेज स्टूडेंट थी। एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को बाहर ले जाने के लिए कहा। वो भागमती को इस सुनसान हवेली में ले आया। वो अकेले नहीं आया, उसके साथ उसके शराबी दोस्त थे। शराब पीते ही सब लोग हैवान बन गए। उन्होंने भागमती को अकेला देखकर एक के बाद एक उसका फायदा उठाया। सो बैड, यू नो। उनकी हैवानियत का शिकार बनी भागमती की चीखों से यह हवेली गूंजने लगी। बैडली शी हैज बीन एक्सप्लॉइटेड। वो लोग भागमती को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। भागमती का शरीर दर्द से बेहाल हो रहा था। प्यार के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड का धोखा और अपमान वो सह नहीं पाई, और उसी गम में उसने यहाँ फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बहुत दर्दनाक मौत मरी वो। ऐसा ही हुआ था। सब यही मानते हैं कि मरने के बाद भागमती भूत बन गई। तुम भी इस कहानी पर विश्वास कर रही हो? नहीं, नहीं, नहीं। भागमती कोई मामूली लड़की नहीं थी। तो बताओ कौन थी ये भागमती? रानी, रानी, वो इस महल की रानी थी। कालंगी साम्राज्य को जिसने अपनी उंगलियों पर चलाया था वो थी रानी भागमती। राजा गोपाल देशमुख की कोई भी पुरुष संतान नहीं थी। जब निजाम ने अचानक हमला करके उनके राज पर कब्जा किया, तब 12 साल की उम्र में निडर होकर तलवार उठाई। एक योद्धा की तरह इस साम्राज्य की जिसने रक्षा की वो है भागमती। निजाम को भी उसकी वीरता देखकर उसके सामने झुकना पड़ा, और उसने निजाम से वादा किया अगर वो ये राज्य छोड़कर चला जाएगा तो वो उसकी जान बख्श देगी। वो है भागमती। तो क्या इसका मतलब तुम ही रानी भागमती हो? ककोर राफिया फोबिया, मतलब हार जाने का डर। जाने अनजाने में तुम एक काल्पनिक दुनिया में जी रही हो चंचला। भागमती, मैं विश्वास नहीं करता, और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना होगा, करना होगा, करना होगा। ओके ओके, तुम ही भागमती हो, मैं मान लेता हूं। मगर ये बताओ, जिस वंश की तुमने इतनी वीरता से रक्षा की, वो आज ये भूत बंगला कैसे बन गया? लोग तुम्हें रानी भागमती के नाम से नहीं, राक्षस भागमती के नाम से जानते हैं। चंद्रसेन, प्रजा के लिए बनाए गए इस बंगले को देखकर लोग आज क्यों डर जाते हैं, बताओ, जवाब दो। चंद्रसेन, 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 चंद्रसेन,
वो कौन है? मेरा सेनापति जो मेरी बर्बादी की वजह बना, उस कपटी का नाम चंद्रसेन था। अपने गलत इरादे लेकर वो मेरे पास एक सेवक बनकर आया था। उसकी बातों को सच मानकर मैंने उसे सहारा दिया, पूरा अधिकार दिया। प्रजा ने भी उस योद्धा की वीरता को देखकर उसे सेनापति बना दिया, मगर उसने क्या किया? जिस दिन से वो सेनापति बना, उस दिन से उसने अपना रक्त दिखाना शुरू कर दिया। दुश्मनों के साथ मिलकर सब कुछ लूट लिया। राजा बनने की लालच में उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मुझे और जनता को धोखा दिया। धन दौलत जमीन से जब उसका मन नहीं भरा तो भगवान के घर को भी लूट लिया। सेनापति बनकर मेरी सेना की पीठ में छोरा घोंपने से जब मन नहीं भरा तो उसने मेरी प्रजा को जला दिया। फिर लोगों में अफवाह फैला दी कि मैं मानसिक रोगी हूँ और ये फैसला सुनाया कि मरते दम तक मुझे इसी कमरे में कैद होकर एक पागल की तरह जीना पड़ेगा। अपनी प्रजा पर होते हुए अत्याचारों को देखकर मुझे अपनी बेबसी पर शर्म आ रही थी। यही इसी जगह मैंने फांसी लगाकर जान दे दी। मगर मर के भी मैं उस पापी का सर्वनाश करने लौट आई। जब तक मैं अपनी सेना को उसकी गिरफ्त से आजाद नहीं करती और उसे मौत के घाट नहीं उतारती, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तुम अब भी चंद्रसेन से बदला लेना चाहती हो जो कब का मर चुका है? सुनो, तुम उसे मारना चाहती हो जिसका वजूद ही नहीं है। यही है तुम्हारा रोग। वो यही है और जिंदा है और मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। मुझे डाउट था ये स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन है। तो क्या वो भूत नहीं है डॉक्टर? बिल्कुल नहीं है, पागल है, मानसिक रोगी है। आवाज बदल कर बात करना, एक पुरानी कहानी को बदल कर उस पर विश्वास कर लेना, सपनों में जीना और उस दुनिया में अटक जाना, यही कर रही है वो। I mean, getting involved into it. Hallucination. क्या उसे कोई पर्सनल लॉस हुआ था, जैसे परिवार में किसी की मौत, काम में कोई टेंशन या फिर दिमाग में कोई गहरा सदमा लगा हो? क्योंकि ये सब वाइल्ड बिहेवियर का कारण हो सकता है। I mean, that might have triggered to this kind of situation. जहां तक मुझे पता है उसके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर। कुछ लोगों को डमरू की आवाज सुनकर भूत चढ़ जाता है, बस उसी तरह ऐसी जगहों में नेगेटिव वाइब्रेशन और अकेलापन पुरानी बातों और यादों को फिर से ताजा कर देता है। बेटर होगा मैडम कि आप उसे इस जगह से कहीं और शिफ्ट कीजिए एंड आप उसे दवाई लेने के लिए कहिए। आप भी ले लीजिए डॉक्टर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। टेक केयर डॉक्टर। योर ग्रेट भामिनी, तुम मैडम को देखकर अब तक भागी नहीं? मैंने गुरु गोल गप्पा को इसकी सुपारी दे दी है, किसी भी वक्त आकर इसका गेम खत्म कर देंगे वो। बचा लो गुरु, मैं आज यहाँ से नहीं भागूंगी, लेकिन भागमती को जरूर भगाऊंगी। ऐसी पिटाई करूंगी कि अपना नाम तक भूल जाएगी। भागमती, चंचला मैडम, ओ तो ये आप हैं, मतलब अभी आप भूत नहीं है। मैडम मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस उस भूत के बारे में। भागमती दीदी, आपको बुरा लगा? सॉरी, दरअसल मैं तो उस सुभाष के कहने पर यहाँ चली आई। क्या बात है, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? बिना एसी के मुझे पसीना ही आता है। ठंडा पियोगी? नहीं, ड्यूटी के वक्त मैं नहीं पीती। क्या कुर्सी ही तो है, बैठने दो ना मुझे। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही है तू? बोल कहाँ जा रही है तू मोटी? ये इसकी आवाज को क्या हुआ? कहाँ जाएगी? बोल जाएगी, यहाँ से जाएगी। आ गई।
तुम्हारा नींबू मिर्ची, तुम्हारा गुरु कोई तुम्हें बचाने नहीं आया है? मेरी आवाज सुनकर जब तुम इतना डर गई, अगर चंचला मैडम ने कहा होता भागमती, तब तो तुम डर के मारे मर ही गई होती। चलो अभी बहुत काम बाकी है, बड़ी आई भूतों को भगाने वाली। मैडम ये मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद का इनकम टैक्स डिटेल है और ये चंचला का ऑफिशियल बायोडाटा इसी भी संपत ने दिया है। किस भाषा में बात कर रही थी पता लगाया? हाँ, ये अरबिक में है। अरबिक? पिता का नाम वेणु माधव, माँ का नाम माधवी लता, तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी। क्या कोई इंसान ऐसी भाषा भी बोल सकता है जो उसने कभी सीखी ही ना हो? मैम मैंने उन गांव में रहने वाले लोगों से पूछताछ की, ये सच है कि आजादी के पहले भागमती सतपत्रे नाम की एक रानी उस बंगलों में रहकर राज करती थी और उसी बंगलों में उसने खुदकुशी कर ली। और उस बूढ़े आदमी ने मुझे यह भी बताया कि एक अरब सीक्रेट एजेंट जो निजाम के लिए काम करता था उससे बातचीत करने के लिए भागमती ने अरबिक सीखी थी। चंचला को नहीं, भागमती को अरबिक आती है। ओ, तो उसके अलावा भी लोग हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। हमें कुछ विषयों पर अपना नजरिया बदलना चाहिए। मतलब बियॉन्ड साइंस भी कोई चीज होती है मैडम। व्हाट डू यू मीन? साफ साफ शब्दों में कहें तो क्यों ना किसी तांत्रिक या बाबा को बुला ले। आई डोंट बिलीव ऑल दिस तरुक। आखिर ट्राई करने में क्या हर्ज है मैडम? अब शकुन। दारुक। स्वामी जी। फिर बोल रहा हूं, इस घर में शैतानी ताकत के बारे में बता सकता हूं पर उसे बाहर नहीं निकाल सकता। घर में आने का कोई और रास्ता नहीं है? है। अगर चंचला को ये रास्ता पता था तो वो यहां से भागी क्यों नहीं? यहां का अंधकार उसे जाने नहीं देगा। मैं जानता हूं तुम पढ़े लिखे लोग प्रमाण मांगोगे, ये लो निराकार रुद्राक्ष बिना चेहरे वाला। जब ये पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आएगा तो लाल रंग का होगा और नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आएगा तो काला हो जाएगा। 2 दिन बाद इसे दोबारा देखना, अगर रंग बदलेगा तो इसका मतलब यहां कोई शक्ति है। ये उज्जैनी महाकाली का अभिषेक किया हुआ चंदन है। जब तक यहां कोई बुरी शक्ति नहीं होगी तब तक इस पानी से खुशबू आती रहेगी। जय महाकाली। तुम किसी बुरी शक्ति को जानते हो शैतान जैसी? लड़की के कमरे में रख दो। अगर इसमें से बदबू आने लगे तो इसका मतलब है उसके शरीर के अंदर नहीं बाहर भी शैतानी आत्मा है। ये प्राणधारा प्रोजेक्ट की स्थापना दिवस की फोटोज हैं। इसने 6 लाख एकड़ बंजर जमीन को फिर से हरा भरा बना दिया। मगर जिस प्रोजेक्ट की परमिशन 6 महीने पहले मिली हो उसका कॉन्ट्रैक्ट आलूवालिया ग्रुप को 1 साल पहले कैसे मिल गया? उसमें ईश्वर प्रसाद का कोई इंटरेस्ट था? आलूवालिया ग्रुप का कोर्ट की अमाउंट। प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर ईश्वर प्रसाद का था मगर फैसला IAS कमेटी का। मैं उस कमेटी की चीफ थी और वो प्रोजेक्ट मैंने सैंक्शन किया था। क्या इस प्रोजेक्ट को
ईश्वर प्रसाद का भाई सूर्या प्रसाद मैनेज कर रहा था? हाँ, कर रहा था। जब उसके भाई ने ग्रुप से कमीशन मांगा तो ईश्वर प्रसाद ने उसे बाहर निकाल दिया। ना कभी खुद गलत किया, ना किसी को गलत करने दिया। पॉलिटिक्स में कोई इतना परफेक्ट हो सकता है? इम्पॉसिबल। उन्हें करप्ट साबित करने पर इतना तुली हो कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी नहीं हो रहा। इज इट? तो मुझे ईश्वर प्रसाद का चमचा समझ रही हो, पर भूलो मत कि मैं एक आईएएस ऑफिसर भी हूं। बिलीव मी, ना मुझे उस पर विश्वास है और ना ही तुम पर। तुम्हारी लाइफ स्टोरी अब फिनिश हो गई है चंचला। गो। तुम शक्ति से इसी प्रोजेक्ट पर मिली थी ना? तुम शक्ति से इसी प्रोजेक्ट पर मिली थी ना? चलो बेटा, ऐसे नहीं रोते हैं। चलो, रोते नहीं बेटा। नए गांव में नई दोस्त मिलेंगे। भैया आप ही समझाइए। हाँ बेटा, चंचला दीदी की तरह और दोस्त भी मिलेंगे, मान जाओ। चलो, सब तैयारी हो गई? हाँ हो गई। इसे ऊपर रख दो। शक्ति। इतने पैसे कहाँ से आए? उन लोगों ने रात में आके दिए बेटा। ये क्या यार, सरकार तो गांव खाली कराने के लिए हम लोगों को चेक या डीडी देती है, इतना सारा कैश कैसे दे दिया? पूरे गांव में रुपए बांटे हैं। हाँ काका सही कह रहे हैं। बेटा घर खाली करने के लिए तो पूरे गांव को पैसे मिले हैं। जब तक मैं ना कहूँ कोई गांव नहीं छोड़ेगा। हम लोगों को तो रुपए मिल गए हैं, अगर कोई समस्या हुई तो। कहा ना कोई गांव नहीं छोड़ेगा। सही कह रहा है शक्ति बेटा, अगर शक्ति कह रहा है तो उसमें जरूर कोई सच्चाई होगी। बेटा जब तक तुम नहीं कहोगे कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। ए, सब सामान नीचे उतार लो। ये पैसे किसने दिए? हेलो मैडम, हमें बहुत मार रहे हैं मैडम ये। पर कौन और क्यों? शक्ति भैया। शक्ति? हाँ मैडम। सर एक मिनट, जरा शक्ति को फोन देना। बोलो। शक्ति, वजह कुछ भी हो मगर एक इरिगेशन ऑफिसर पर हाथ उठाना अच्छा नहीं है। मुझसे अच्छाई की बात मत करो, पहले खुद को अच्छा बनाओ। शक्ति आखिर बात क्या है? मुझे सही और गलत का फैसला करना है। कुछ तो बताओ। गांव के बारे में बात करनी है, पहले यहाँ आओ। देखो शक्ति मेरी। यहाँ आओ और मुझसे बात करो। क्या हुआ चंचला? कुछ नहीं सर, शक्ति। एनीथिंग पर्सनल? सर वो बहुत गुस्से वाला है, अक्सर मुझे उसे डर लगता है। प्यार में तो ये सब होता रहता है, तुम जाकर उसे समझाओ। मैडम ये देखिए कितना मारा मुझे। तुमने ऐसा क्यों किया शक्ति? तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, ये उसका सबूत है। कैसा धोखा? चंचला जनता मेरा परिवार है, तुम सिर्फ उस परिवार का हिस्सा हो। अगर कोई परिवार के साथ धोखा करेगा ना तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। शक्ति गुस्से में बात मत करो, सोच समझ कर बात करो। हो, क्या सोच समझ कर ही उन आठ गांवों को लूट रहे हो? ये क्या बोल रहे हो, कौन लूट रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपने सवाल का जवाब। लगता है कंचन आज आएगी नहीं, आप दवाई खा के आराम कर लीजिए। ठीक है। ड्यूटी करते ऑफिसर पर हमला करना, वो भी पर्सनल रिवॉल्वर से। उनका कहना है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। लगता है केस खारिज हो जाएगा, चार दिनों में रिहा हो जाएगी वो। सर सर जाओ जाकर डीजल भरवा के लाओ। पेट्रोल पंप दूर है जो सर। बोला वो करो। ए सुभाष हा? लाओ यहाँ की चाबी दो जाओ। ये निराकार रुद्राक्ष है, जब ये पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आएगा तो लाल रंग का होगा और नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आएगा तो काला हो जाएगा। अगर रंग बदलेगा तो इसका मतलब यहां कोई शक्ति है।
ये उज्जैनी महाकाली का अभिषेक किया हुआ चंदन है। जब तक यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं होगी तब तक इस पानी से खुशबू आती रहेगी। अगर इसमें से बदबू आने लगे तो इसका मतलब है उसके शरीर के अंदर नहीं बाहर भी शैतानी आत्मा है। बंगलों में जो कुछ भी देखा उसका जवाब मेरे पास नहीं है मैडम, मगर उसकी हालत और वाइल्ड बिहेवियर देखकर मुझे उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा, मेंटल हॉस्पिटल। हाँ मैडम, साइकाट्रिस्ट के सजेशन पर। हमें चंचला की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए था कुछ बुरा होने से पहले। हमें उससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें नहीं मिली,
इन्वेस्टिगेशन में अब उसकी जरूरत नहीं, आफ्टर रिकवरी जेल में शिफ्ट कर दो। ओके मैडम। संपत, बंगलो में लगे कैमरास में ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? वो मैडम बिजली चली गई थी मैडम। इनका ख्याल रखो। मैडम फोन। सर कुछ पता चला वैष्णवी? नहीं सर, जहाँ शुरू किया था वहीं पर आ गए हैं। एक छोटे से काम के लिए इतना टाइम, ये ठीक नहीं है। आप एक शरीफ इंसान पर दाग लगा रहे हैं, इतना आसान नहीं है। सीधे सीधे कहो ना, ये तुमसे नहीं होगा। सही कहा सर, मुझसे नहीं होगा, किसी और को ट्राई कर लीजिए। सुनो। थैंक यू सर। सुनो वैष, आप रात को कहानी सुनाने वाली थी, फिर क्यों नहीं सुनाई? सॉरी बेटा, आज पक्का सुनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मैंने अपने आप को सुना दी। अच्छा, तुमने अपने आप को सुना दी, वेरी गुड। कौन सी कहानी? बहुत साल पहले एक शंग्रीला नाम का शहर था। हे, वो हमारे होटल का नाम है। आप कहानी तो सुनिए। okay. अलादीन के राज में एक बंदर रहता था, उसका नाम था पिंकी। और उसका बड़ा सा पेट था क्योंकि वो कचरा खाता था। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन वंडरलैंड किंगडम में वो गौतम नाम के राजा से मिला। वो राजा बहुत अमीर था और उसके आगे पीछे बहुत सारे नौकर रहते थे। और एक बात बताऊं, और उस कहानी में कायू नाम का प्रिंस उसका विलन था। और मेरा फोन आ गया। मम्मी प्लीज बेटा। यस तारुक। गुड मॉर्निंग मैम, जैसा आपने कहा हमने डेटा बैकअप ले लिया है, सिक्योरिटी वाइज भी सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं। वी आर ऑल सेट टू रैप अप मैम, आप कहे तो हम आपको भी क्लियर कर दें। ठीक है, क्लियर एवरीथिंग। उसका नाम था पिंकी, वंडरलैंड किंगडम में उसके आगे पीछे नौकर रहते थे। वो बहुत कचरा खाता था, गौतम नाम के राजा से मिला। पिंकी, वंडरलैंड, ये सब देखकर तुमने मुझे कहानी सुनाई ना? हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, पर आप मुझे पकड़ नहीं पाई। इट्स योर मिस्टेक। जय हिंद सर। चंचला कहाँ है? सर चंचला एक्चुअली कहाँ है? सर वो जेल के बाथरूम में गिर गई और काफी खून बह गया। ब्लड लॉस हुआ है तो क्या कोई मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाता है? ये बात सीबीआई ने बोलने को कही? सर वहां नहीं सर, इस तरफ। दिस वे सर। नमस्ते सर। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मारो इन्हें, पेशेंट को खुला कर छोड़ा। मेरी मदद कर रहा था। ये क्या हो रहा है? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे क्या हाल बना दिए, क्या थी और क्या हो गई? अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे किसी झूठे स्कैम में फंसा कर अंदर डाल देते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं सर, उस लड़की में कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए मैंने। नो, मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए तुमने उस बेचारे की बलि चढ़ा दी। पहले ही अपनी जिंदगी में कितना कुछ खो चुकी है वो। सर उसके पास मत जाइए, वो अनस्टेबल है, उसका कोई। बेटा चंचला, मैं हूं, मैं हूं ईश्वर प्रसाद। देखो मैं आ गया बेटा। हाँ मेरे पास, तुम यहां से बाहर निकलो, बाहर ले जाओ इसे। हाँ हाँ सर, प्लीज सर, बाहर जाओ, बाहर चलिए प्लीज। सब लोग बाहर चले गए, तुम बाहर आ जाओ, आ जाओ। शिकारी चला चिड़ियों का शिकार करने, छुपा कर जाल अपने पास, मगर जब सब चिड़िया आ गई एक साथ तो लेकर उड़ गई शिकारी का जाल और बचा ली अपनी जान। ये सब क्या है बेटा? मैं तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत चिंतित हूं। जरूर मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे तुम जैसी वफादार पीए मिली।
तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ सहनी पड़ी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। कहीं मेरे पे दिल तो नहीं आ गया है तुम्हारा? अब बस एक्टिंग बहुत हो गई, काम की बात करें। कालंगी साम्राज्य को जिसने अपनी उंगलियों पर चलाया था वो थी रानी भागमते। कालंगी मतलब चंचला ने भी मुझे कहानी सुनाई, भागमती कोई है ही नहीं। तैर गई क्या? नहीं तो कमाल की एक्टिंग की, सबको सबको डरा दिया। जिसने भी तुम्हें देखा उसे लगा भागमती सचमुच तुम्हारे शरीर में आ गई है, डर के सब कांपने लगे। मालूम है जो दो शिकारी मुझे पकड़ने आए थे, मेरा मतलब सीबीआई ऑफिसर्स और वो संपत्ति, डर के मारे उन लोगों का बुरा हाल हो गया। तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए जो फोन करके मुझे अपडेट किया करता था। इसी तरह बस 6 महीने और मैनेज कर लो, सब लोग तुम्हें और मुझे हमेशा के लिए भूल जाएंगे। फिर हम दोनों चिड़ियों की तरह उड़ जाएंगे। तुमने मुझे सीबीआई से बचाया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था 300 करोड़ का, वो तुम्हें मिल जाएंगे। इस प्राणधारा प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मगर डैम के नाम पर हम इन 8 गांवों के नीचे दबे बॉक्साइट कर खोद खोद कर निकाल लेंगे। इसके लिए हमें इनसे पूरे 1800 करोड़ का ऑफर मिला है। सीबीआई के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, मुझे इनसे कुछ प्राइवेट में बातें करनी है। श्योर सर। चंचला, लगता है वो लोग मुझ पर सीबीआई इंक्वायरी बिठाने वाले हैं और उसके लिए वो तुमसे सवाल करेंगे। वो लोग मेरे सारे अपराधों के बारे में तुमसे पूछेंगे, सारे सवालों का तुम्हें सिर्फ एक ही जवाब देना होगा कि मैं भगवान की तरह नेक हूं। मुझे 1800 करोड़ का ऑफर मिला है, तुम बोलो कितना चाहिए? पूरे 300 करोड़। पूरे 300 करोड़? चलो दिए। मुझे विश्वास नहीं है। ओके, मैं पूरे 1800 करोड़ तुम्हारे पास जमा करवा देता हूँ, काम खत्म होने के बाद मुझे मेरे 1500 करोड़ दे देना। ओके। मुझसे कोई और काम तो नहीं? और कोई काम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। Find Eswar Prasad right now. कोई रेस्टार आपसे मिलना चाहता है, किसी फार्म हाउस के बारे में बात कर रहा है। सर ये क्या किया आपने? वो 6 महीने तक बाहर नहीं आएगी और मेरे मना करने के बाद भी आपने 1800 करोड़ उसके नाम कर दिए। अब उसमें से 1500 करोड़ निकालने के लिए हमें उसके साइन चाहिए। कितना? 1500 करोड़।
पूरे 1800 करोड़। जेल में सड़ने वाले को भला इतने पैसों की क्या जरूरत है? मैंने पूरा रुपया उसके नाम पर इसलिए जमा किया था कि वो सीबीआई के सामने अपना मुंह न खोले और कुछ गड़बड़ हुई तो इस घोटाले में उसे फंसा दूंगा। उन पैसों को अपना बनाने के लिए हमें एक साइन की जरूरत है, बस फिर कहानी खत्म। लाओ। बिना डरे बताओ। मैडम, ये फार्म हाउस अजय की बेनामी संपत्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ईश्वर प्रसाद को इस बात का पता चला कि यहाँ पर एक सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसने आसपास के गांव की हजारों एकड़ जमीन को अपने आदमियों के नाम पर सस्ते में खरीद लिया। ये सारी जमीन प्राणधारा प्रोजेक्ट के दौरान पानी में डूब जाएगी। ईश्वर प्रसाद ने ये बात बोलकर गवर्नमेंट को वही जमीन बहुत ऊंचे दामों में बेच डाली। अडविने कलम को छोड़कर सभी गांव वालों ने प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन खुशी खुशी दे दी। अडविने कलम? जी हाँ मैडम, सिर्फ यही गांव था जो प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था। तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे तुमसे कोई और काम है, जिसके लिए आया था वो तो भूल ही गया। साइन करो। उनका गलत तरीकों से पैसे ना कमाना, अमेरिका में पढ़ रहे अपने बेटे, अपने पसंदीदा फार्म हाउस, देश के प्राचीन मंदिरों में वो अक्सर जाते हैं, भगवान के लिए जाते हैं, मूर्तियों की चोरी। सीएम नहीं बनना, वरना कब की सरकार गिर गई होती। आलूवालिया ग्रुप का कोट किया हुआ अमाउंट एक साइन करके करोड़ों कमाया जा सकता है। उन्हें करप्ट साबित करने पर ऐसी तुली हो कि मेरी बातों पर यकीन भी नहीं कर रही हो। थिंक बिग, थिंक बिग, थिंक बिग। उस कपटी सेनापति का नाम चंद्रसेन था। ईश्वर प्रसाद यानी कि मैं। प्रजा ने भी उस योद्धा की वीरता को देखकर उसे सेनापति बना दिया। मैं ईश्वर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेते हुए कहता हूँ कि मरते दम तक इस देश की सेवा करूंगा। सेनापति बनते ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, दुश्मनों के साथ मिलकर सब कुछ लूट लिया। चंचला IAS। I'm at your service, sir. Good. Keep it up. राजा बनने के लालच में उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके सबको धोखा दिया। धन दौलत जमीन से उसका मन नहीं भरा तो भगवान का घर भी लूट लिया। डबल क्रॉस्ड। चंचला ने हमें झूठ नहीं बोला, वो ईश्वर प्रसाद की सच्चाई थी। पर्सनल सेक्रेटरी रहते हुए मुझे तुम्हारे साइन से बहुत फायदे हुए। अब हम दोनों के फायदे के लिए तुम्हें सिर्फ एक आखिरी साइन करना है। मुझे लगा तुम सच्चाई और निष्ठा के नारे लगाओगी। मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम इस तरह मुझसे पैसों की मांग करोगी। मेरा काम पूरा हो गया, अब चलता हूं। कौन है भागमती? मैं पूछ रहा हूं कौन है भागमती? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुख्यमंत्री बनने के लिए शिकारी ने बिछाया एक जाल, शिकारी से बचकर चिड़िया उड़ गई लेकर उसका जाल, मिट्टी में मिल गया उसका प्लान। प्लान? समझ में नहीं आया? अभी तक तुमने जो भी देखा वो वही है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। ट्रैप तुम्हारा नहीं था, मेरा था। अब इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, सीधा राजनीति से संन्यास लूंगा। और अगर सरकार ने उस वक्त तक भी मूर्ति चोरों को नहीं पकड़ा तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा।
सरकार को गिराने के लिए ये ईश्वर प्रसाद की बहुत बड़ी साजिश है। Why don't we lock him up? सेंटर से रिकमेंड करके CBI से इन्वेस्टिगेट करवाएं। Hey, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया? तूने तो जनता के साथ विश्वासघात किया है। मैंने भी तुझे भगवान माना था। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसके लिए तूने मुझे जनता और सरकार के सामने गुनहगार बना दिया। मेरे हाथों से मेरे प्यार को मरवा दिया तूने। मैडम ये देखिए कितना मारा मुझे। ये क्या किया शक्ति? तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया, ये उसका सबूत है। शक्ति गुस्से में बात मत करो, सोच समझ कर बात करो। हो क्या सोच समझ कर ही उन 8 गांवों को लूट रहे हो? कौन लूट रहा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? अपने सवाल का जवाब। बतौर IAS कमेटी चीफ तुमने प्राणधारा प्रोजेक्ट के लिए 127 गांव खाली करने के लिए खुद साइन करके सैंक्शन दिया, मगर वहां 135 गांव खाली करवाए जा रहे हैं। क्यों बिना किसी वजह के उन 8 गांवों को डूबने वाले गांवों की लिस्ट में डाला गया है? गांव खाली कराने के लिए तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया है, बिना तुम्हारी जानकारी के ये कैसे हुआ? बोलो बोलो चंचला बोलो। सर आप यहाँ? अगर तुम्हारा होने वाला पति तुम पर शक कर रहा है तो कहीं तुम मुझे पीठ पीछे तो धोखा नहीं दे रही हो? मेरे 35 साल के राजनीतिक कैरियर पर तुमने दाग कैसे लगा दिया? सर आप ही मुझ पर? मैंने तुम पर विश्वास किया चंचला, तुम्हारी वजह से लोग मेरे 10 साल की मेहनत पर शक करेंगे। क्यों तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही लगा ना? चंचला तुमने इतने सालों मेरी सेवा की है, एक मौका मुझे भी दो कि मैं इसे जवाब दूं। मैं दूं ना? हाँ, इस प्राणधारा प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड मैं ही हूं, ईश्वर प्रसाद। 127 गांवों की लिस्ट को 135 गांवों की लिस्ट में बदलकर चंचला और इन सब गांव वालों को धोखा देने वाला मैं हूं। मैं अब तक गलती करने वाले को ढूंढ रहा था, मैं नहीं जानता था कि वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाएगा। मेरे काम के बीच में जो भी आता है उसे एक के बाद एक खत्म करने के बाद ही मैं अपना काम शुरू करता हूं। ये मेरे काम करने का पुराना स्टाइल है। खुद को भगवान मानकर जनता को धोखा देने वाला शैतान है तू। शक्ति 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 ये लो मुझे मार देंगे, बचा लो शक्ति शक्ति प्लीज। देखता क्या है, खत्म कर दे। मैडम मैडम बचा लीजिए, मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए। जनता कब से इंतजार में बैठी है कि कोई तो आकर उनकी जिंदगियों में खुशियां लाएगा, मगर तुम जैसे पैसे और सत्ता के लिए पागल लोग जनता को सब लूटना चाहते हैं। सही कहा चंचला, मैं पागल हूँ। हर इंसान किसी न किसी चीज के लिए पागल है, जैसे जनता की भलाई के लिए ये पागल है और इस पागल के प्यार में तुम पागल हो, वैसे ही CM बनने के लिए मैं पागल हूँ। मगर तुम्हारे पागलपन के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, मगर मेरे CM बनने के लिए पैसों की जरूरत होती है। क्या देखता है, तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है? मेरे रास्ते की रुकावट बना तो इसी समय तेरी खोपड़ी खोल के रख दूंगा। अगर तुमने इसे मार दिया तो जो लोग गाँव छोड़ कर गए हैं वो वापस आ जाएंगे और जनता तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। वाह क्या दिमाग लगाया है, तो मैं इसे क्यों मारूं? तुम अपने हाथों से मारो। देख क्या रही हो, ये तुम्हारी गन है। मारो मारो। मुझे मारकर तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगे। अब तक तुम्हारी करतूत गांव वालों को पता चल गई होगी। तुम इस शक्ति को तो मार सकते हो पर लोगों की शक्ति नहीं। कौन से लोग? कहीं तुम उन फ्रेंड्स की बात तो नहीं कर रहे हो जिन्हें तुमने गांव वालों को रोकने के लिए भेजा था? ए इधर दे। देख छोड़ूंगा।
ये रिकॉर्डेड है, लाइव देखना है तुम्हें? तूने उन्हें गांव छोड़ने से रोका, अब वो सब दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। मुझे दे, इसे खत्म कर दो चंचला। जब तक यहां इसकी सांस चलती रहेगी, वहां मासूमों का खून बहता रहेगा। उस गांव के लोग बिना किसी वजह के मारे जा रहे हैं, जबकि बाकी 7 गांव वाले अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और एक ऑफिसर जो ये सब जानता है, कितने और लोगों को मारना होगा? तुम चाहो तो ये सब रोक सकती हो, बस तुम्हें एक इंसान को मारना होगा। मार दो, मारो। मारो चंचला, मुझे बचा लो मैडम। मैडम, मैडम। गोली चलाओ चंचला, जस्ट शूट मी, शूट मी चंचला। मेरे पास टाइम नहीं है चंचला, जल्दी शूट करो। ए, मुझे दे। ए, उस प्रेग्नेंट औरत को मार डाल, जल्दी कर। देख, आंखें खोलने से पहले ही अपनी मां के साथ आंखें बंद करने जा रहा है। गोली चलाओ चंचला, शूट मी। जब चंचला, अब तुम अपने आशिक के मर्डर केस में बाकी की जिंदगी जेल में काटो। अगर मेरा प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले तुमने किसी को इसके बारे में बताया, तो बाकी गांव वालों की मौत का लाइव टेलीकास्ट शो तुम्हें जेल में दिखाने आऊंगा। मैं तेरा असली चेहरा सबको दिखाना चाहती थी और मैंने दिखा दिया। क्या लगता है तुम मुझे सीबीआई के जाल में फंसाकर पूरा 1800 करोड़ खुद ही हड़प लेना चाहती हो? सारे गांव वाले मेरे कब्जे में हैं। तुम हो, सीबीआई हो, होम मिनिस्टर हो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुझे तुम है। तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है, बस अंजाम के लिए तैयार रह। उन्होंने गांव वालों को आजाद कर दिया, पुलिस ने हमारे लोगों को पकड़ लिया है, वो किसी भी वक्त यहां आते ही होंगे।
राजा की ताकत होती है पैसा, प्रजा और बुद्धि। मैंने तुम्हारा पैसा लूटकर प्रजा को तुमसे दूर कर दिया। और रही बात बुद्धि की, तो ये रिवॉल्वर निकालते ही वो भी भ्रष्ट हो गई। तुम्हारे 35 साल के राजनैतिक करियर में आज कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लगाने वाली हूं हमेशा के लिए। नो, अरे क्या किया मैंने, क्या किया? तुम्हें लगा मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला, पर उन लोगों ने मेरी जिंदगी छीन ली। मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद का घोटाला आया सामने, कई मूर्तियां की थी चोरी। सेंट्रल मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद हैज बीन शॉट डेड, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर एंटायर नेशन। चंचला की बचपन की फोटोज है अपने पेरेंट्स के साथ। कमाल है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने अपने टैलेंट का बखूबी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं मैम, प्राणधारा प्रोजेक्ट के जरिए गांव वालों की मदद करना शक्ति का हमेशा से सपना था, और आज चंचला के ट्रस्ट द्वारा ये पूरा हुआ, इससे मुझे बहुत खुशी है मैडम। अगर आज शक्ति जिंदा होता तो उसे चंचला पर बहुत गर्व होता। आपने आज तक मुझे अपना नहीं माना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि तुमने ये सब किया कैसे। बाकी सब तो ठीक है चंचला, बट एक डाउट है, स्वामी जी और रुद्राक्ष ये सब क्या था? वो सब तो ठीक है, पर इसके बदले तुम मुझे सब सच ही बता देती। आज के युग में हम इंसान से ज्यादा शैतान पर विश्वास करते हैं। ये मेरे करियर का पहला केस है जो मैं हार गई। मुझे लगा हमारे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स हैं, मगर तुम जादू जानती हो, अरबिक बोल सकती हो, ये नहीं पता था। अरबिक? पर मुझे तो अरबिक नहीं आती। तुम्हें अरबिक नहीं आती? तो फिर उस दिन जो